थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरे, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर रा। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्गीय महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है क्या में मेरा, स्वर्गीय देश आनंद घर है, अनंत घर है। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है। उस पवित्र नगर यरूशलेम में कौन जाने पाएगा, केवल वो जो जयवंत जीवन जीता है। उस पवित्र नगर यरूशलेम में कौन जाने पाएगा, केवल वो जो जयवंत जीवन जीता है। सीधी बातें बोलकर धर्म से चलने वाले दुल्हन ही केवल उसमें दाखिल होवेगी, उसमें दाखिल होवेगी। सीधी बातें बोलकर धर्म से चलने वाली दुल्हन ही केवल उसमें दाखिल होवेगी, उसमें दाखिल होवेगी। थोड़ी देर का इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश अनंत घर है मेरा, अनंत घर मेरा। उस पवित्र नगर यरूशलेम में कौन जाने पाएगा, केवल वो जो जयवंत जीवन जीता है। उस पवित्र नगर यरूशलेम में कौन जाने पाएगा, केवल वो जो जयवंत जीवन जीता है। सीधी बातें बोलकर धर्म से चलने वाली दुल्हन ही केवल उसमें दाखिल होगी, उसमें दाखिल होगी। सीधी बातें बोलकर धर्म से चलने वाली दुल्हन ही केवल उसमें दाखिल होगी, उसमें दाखिल होगी। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्गीय देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा।
कष्टों को उठाए हम दुख उठाए यीशु की निंदा ले ले हम स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करे हम जल्दी यात्रा करे हम ओ स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं आना इसलिए ना रुकना यात्रा करे हम जल्दी यात्रा करे हम थोड़ी देर का लाश है इस दुनिया में मेरा स्वर्गीय देश घर है मेरा आनंद घर है मेरा थोड़ी देर का लाश है इस दुनिया में प्रभु की स्तुति हो। थोड़े समय हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। आज के लिए हम लोग मनन के लिए हम लोग पढ़ने वाला भाग है निर्गमन उसका तीसरा अध्याय एक से लेकर छः तक हम लोग पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था हाँ। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हाँ। होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया हाँ। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच हाँ। आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती हाँ। तब मूसा ने कहा हाँ। मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा हाँ। कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा हे मूसा हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा। उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतिया को उतार दे हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है हाँ। वह पवित्र भूमि है हाँ। फिर उसने कहा मैं तेरे पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और ईसा का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुँह ढाँप लिया। बस कन्नड़ा में पढ़ेंगे। ಮೋಸೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾಗಿರುವ ಮಿದ್ಯಾನರ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಇತ್ರೋನ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಡಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಪೊದೆಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ಮೋಸೆ ನಾನು ಛೇ ತಕ್ ಪಡಿ ಛೇ ತಕ್ ಧಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಯಹೋವನು ಕಂಡನು. ದೇವರು ಆ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ಮೋಸೆ ಮೋಸೆ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು, ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮರಾಠಿ ಬಿಡು. मोशे अपना सासरा मिद्यानी आजक इत्रो यांची शेरडे मेंढरे चालित होता आणि तो आपला कळप प्राण्याच्या पिछाडीस देवाच्या डोंगर बोरे वेतवर घेऊन गेला. तेव्हा परमेश्वराच्या दूताने एका झुडपासून अग्निज्वाले त्यास दर्शन दिले. त्याने दृष्टी लावली तो झुडूप अग्नीने जळत असून ते भस्म झाले नाही असे त्यास दिसले. तेव्हा मोशे म्हणाला मी आता तिकडे जाऊन हा काय चमत्कार आहे, ते झुडूप का भस्म होत नाही ते पाहतो. ते पाहण्यास मोशे तिकडे वळला असे परमेश्वराने पाहिले आणि झुडूपातून देवाने त्यांस हाक मारून म्हटले मोशे मोशे
तेव्हा तो म्हणाला काय आज्ञा देव त्यास म्हणाला इकडे जवळ येऊ नको तू आपल्या पायातले जोडे काढ कारण ज्या जागी तू उभा आहेस ती भूमी पवित्र आहे तो आणखी म्हणाला मी तुझ्या पित्यांचा देव अब्राहमाचा देव इसाकाचा देव याकोबाचा देव आहे तेव्हा मोशेने आपला मुख झाकिले कारण देवाकडे पाहण्यास तो भ्याला ठीक है हिंदी में आप लास्ट वचन पढ़िए छठा वचन फिर उसने कहा हाँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हाँ, और अब्राहम का परमेश्वर इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ तब मूसा ने जो याकूब जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढाक लिया ठीक है इस भाग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु ये जो भाग हमने पढ़ा प्रभु जी इसके अंदर से हमारे लिए हमारी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु आपने जो बात रखी है इसे समझने के लिए हम एक एक की मन की आंखों को आप खोल कर दीजिए प्रभु हालेलुया हृदय को प्रभु समझने वाला हालेलुया हृदय बना कर दे प्रभु हालेलुया धन्यवाद सुनने वाला कान प्रभु दे जीवित परमेश्वर इस वचन की महत्व को इसकी असलियत को प्रभु हम एक एक जन शाम के समय प्रभु जी समझने पाए पवित्र आत्मा हम एक एक के साथ प्रभु जी आप सीधा बात करें प्रभु आपके हाथों पर सौंपते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता आमीन ठीक है ना इस भाग को हम लोग कई बार आपने पढ़ा संडे स्कूल में भी इस विषय को हमने पढ़े होंगे यहाँ पर हम देखते हैं मूसा अपने पिता ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था चराते समय में अचानक उसको एक दिन एक झाड़ी में आग जलता हुआ नजर आया है ना तो देखते समय में झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है ये दृश्य को जब भी देखा तब मूसा कहता है इस अद्भुत दृश्य को मैं जाकर क्या करूँगा देखूंगा करके जब वो मुड़ा तो आपको पिछला बार हमने पढ़े थे याद होगा आपको प्रभु ने वो झाड़ी को जलने क्यों नहीं दिया क्यों नहीं जलने दिया झाड़ी को परमेश्वर ने जलने क्यों नहीं दिया क्या मालूम हाँ देखा है ना ऐसे कुछ बोला था उस झाड़ी से परमेश्वर मूसा के लिए क्या रखा था संदेश देना चाहते थे इसलिए प्रभु उस पेड़ को इस्तेमाल करना चाहते थे इसलिए उसको क्या होने नहीं दिया जलने नहीं दिया झाड़ी किसी काम का नहीं लेकिन प्रभु उसको भी क्या कर रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूसा मुड़कर जब देख रहा है कि इस अद्भुत दृश्य को मैं क्या करूंगा देखूंगा करके मुड़ते ही परमेश्वर ने किधर से देखा वो झाड़ी में से मतलब उस झाड़ी में आग जल रही है उस आग के अंदर कौन है स्वयं परमेश्वर है तो परमेश्वर ने जब मूसा को मुड़ता हुआ देखा तब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मूसा हाँ हे मूसा तब क्या बोलता है क्या आज्ञा प्रभु क्या आज्ञा तभी परमेश्वर कह रहे हैं तू क्या मत कर हाँ ये वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए एक इधर परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं नजदीक में मत्ता नजदीक में मत्ता है ना यीशु सबको क्या कर रहा है बुलाता है मेरे पास आओ लेकिन इधर परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ तो इसके पीछे जरूर कुछ तो बात है मत आ बोला उसके बाद हम पढ़ते हैं मूसा जिस जगह पे खड़ा था परमेश्वर कह रहे हैं तू जिधर खड़ा है वो जगह कौन सा है पवित्र भूमि है इसलिए अपने चप्पल जूतियां क्या कर दे उतार दे ये विषय भी हमने पिछले दिन में देखा था परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की योग्यता हम में नहीं है मूसा में नहीं है फिर भी परमेश्वर ने उस पवित्र जमीन में उसे खड़ा करने को रखा वो इसका अर्थ क्या है क्या है अनुग्रह याद आ रहा है हाँ इसलिए पिछला बात अगर भूल गया आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा याद रखना इसलिए आप लोग अच्छे से याद रख लो स्लो इसलिए जाता हूँ आप लोग याद रखिए अनुग्रह के कारण मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर पाया खड़ा रह सका अब यहाँ पर बैठे हुए हम एक एक जन भी हम लोग कोई संत महात्मा नहीं है फिर भी परमेश्वर की इस उपस्थिति में प्रभु ने जिंदा क्यों रखा
क्यों रखा? उनका अनुग्रह, बस उनका अनुग्रह हमें जीवित रखा है, हमें खड़ा रहने का क्या दिया? मौका दिया। अब ये खड़ा रहने का दे, इधर मूसा को देखते हैं, मूसा उधर खड़ा है, फिर परमेश्वर उसके पास क्या कर रहा है? बात कर रहा है, मैं तेरा कौन? हाँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ, और हाँ, ऐसा बोलते ही मूसा ने अपना मुंह क्या कर लिया? छिपा लिया, ढांप लिया, परमेश्वर को देख नहीं सका, है ना? हाँ, तो यहाँ पर पहला वाला मैं आपको बोला था क्या अंडरलाइन करने के लिए? पास मत था। अभी ये लास्ट वचन में आप अंडरलाइन कीजिए, मूसा ने अपना मुंह क्या कर लिया? ढांप लिया। अच्छा, अब ये विषय को हम लोग किस बेस से अभी हम देखने जा रहे हैं? पिछला रविवार के दिन हम लोग पवित्रता, मंदिर की पवित्रता का विषय हमने देखा था, वही बेस को लिए हुए इस वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा मंदिर का नियम, परमेश्वर का भवन का नियम क्या है? परम पवित्र, उसके चारों, याद होगा ना वो चित्र आपको, पहाड़ के चारों तरफ क्या रहे? अति पवित्र। तो अति पवित्र मंदिर का नियम है, तो इस नियम को, पुराने नियम में भी वही नियम था, नया नियम में भी वही नियम है। तो इस मंदिर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुम स्वयं ही कौन है? जीवित परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर ने हमें मंदिर बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या कार्य हमारे जीवन में किया? सबसे पहले हम क्या थे? पाप के दलदल में गिरे हुए थे, उसने हमें वहां से क्या किया? खींच निकाला। खींच निकालने के बाद हम जान गए हम कौन है? पापी है, पापी है करके जब हमने कबूल किया और यीशु को बुलाया, हमने देखा ना पवित्र करने वाला, वो वचन पढ़े थे ना, याद है आपको? हाँ, तो पवित्र करने वाला कौन? यीशु मसीह को जब हमने पुकारा, उन्होंने अपने पवित्र लहू से हमें धोकर क्या किया? शुद्ध किया, पुराना सारा हमारा नाम में लिखा हुआ लेख सब क्या कर दिया? मिटा डाला, हमें नया, अपनी धार्मिकता से हमें क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। धर्मी ठहरा कर हमें एक नाम दिया, क्या नाम दिया? पवित्र, है ना, है ना, ये याद होगा, हमें क्या नाम दिया? पवित्र। पवित्र कहलाकर हमें क्या किया परमेश्वर ने? कहां ले जाकर रखा? कलीसिया में क्या किया? लेके आकर रखा। किधर रखा? कलीसिया। तो ये संगति क्यों है? ये तो एक घर है, इसके अंदर परमेश्वर नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे एक संगति क्यों दिया? ये संगति में रख के प्रभु हमें क्या करना चाहता है? पवित्र करना चाहता, समझ में आया? तो यीशु मसीह के लहू से धोकर कलीसिया में लेके आकर रखा, अब किसके हाथ में सौंपा है? पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा है। ये पवित्र आत्मा रोज हमको उपदेशों के द्वारा हमको क्या करता है? शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। तो हम शुद्ध होते होते क्या होते जाना है? जोर से बोलो, पवित्र होते जाना, ऐसा होना। हाँ बोलो बोलो, वो वर्ड आपको याद होगा। हाँ, क्या होते जाना? बस इतने, पवित्र के ऊपर और पवित्र, नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं, याद है? पवित्र हो गए, और क्या होना, और क्या करना? मतलब ये पवित्रता का लिमिट रोज क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, और एक आखिरी हद तक हमको क्या करना है? पहुंचना है। वो कौन सा आखिरी हद था आपको याद होगा? पवित्रता में, हाँ हाँ कुछ तो है, क्या है? पवित्रता में निर्दोष। कहां तक पहुंचना है? पवित्रता में निर्दोष। अभी वचन सब आपको पिछला रविवार को दिया था, आप जाकर वापस उसको दोबारा देख लो। तो अभी रोज बढ़ते समय में ध्यान रखना, अगर
पीछे मुड़ रहे तो क्या, पीछे मुड़ने के विषय में हमको क्या करना है, डरना है, आगे बढ़ने के विषय में हिया बांधना, याद है? हाँ, कमर कसना। पीछे की तरफ जाने के विषय अगर आया तो क्या करना, डरना, आगे की तरफ के विषय में या बांधकर कमर कसकर क्या करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इस बात को हमने यहां तक हमने ध्यान दिया था, और भी कई बातें हमने देखे थे, इसी बात को लेकर अभी हम देखेंगे। यहां पर विषय है मूसा को परमेश्वर इसराइलियों को छुड़ाने के लिए तैयार करना था। मूसा 40 साल किधर था, राजा के घर में था। 40 साल में जब वो सयाना हुआ तो उधर से फिर उसको क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। क्या विषय है आपको मालूम है, फिर मिद्यान में जाकर, मिद्यान में भी कितने साल था, 40 साल उधर भेड़ बकरी चराया। भेड़ बकरी चरा के उस 40 साल का एक अंतिम समय जब नजदीक आया, तब परमेश्वर उसको क्या किया, ये झाड़ी में क्या दिया, दर्शन दिया। दर्शन देते समय में इस समय का हाल मूसा का क्या है वो अभी हम देख रहे हैं। नहीं समझ में आया, 40 साल राजा के घर में, राजा का भोजन, युद्ध की कला, मिस्र की सब बातों को क्या किया, जाना, जानकारी पाकर सोचा ये ज्ञान से मैं इसराइली को क्या करूंगा, इतना सोचा है कि नहीं, परमेश्वर उसको किधर भेज दिया। इसका मतलब क्या समझ में आता है, मेरा ज्ञान मेरी बुद्धि से परमेश्वर का काम मैं कर नहीं सकता, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, जितना जमा हुआ था ना वो सबको क्या करा है, खाली करा है। कैसे खाली कराया, इधर तो महल में युद्ध की कला सब क्या किया था, सिखा था, मिस्र का कई बातों को क्या किया था, सिखा था, अगला राजा बनने की तैयारी हो रही थी। इधर का माहौल ऐसा था, अब गया किधर, महल में सिखा हुआ एक भी बात किधर काम नहीं आया, वो माहौल ही कुछ नहीं। रमेश नहीं समझ में, पढ़ाई किस लिए किया था और नौकरी मिली, बात विषय समझ में आ रहा है, पूरा प्लेट ही क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद जब मूसा उस हद तक आ गया कि अभी अकेला नहीं हो पाता, अब मेरा पूरा क्या हो गया, खाली हो गया, इस हाल में आने के टाइम में परमेश्वर उसको क्या दे रहा है, दर्शन दे रहा है। दर्शन देते समय मूसा का हाल क्या था, उधर देखते हैं, झाड़ी जल रही है, मूसा देखने के लिए नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है मूसा, मूसा तो बोल रहा है मैं इस दृश्य को क्या करूंगा, नजदीक से जाकर क्या करूंगा, देखूंगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है नजदीक में मत्ता, क्यों मत्ता, हाँ देखा ये बच्चे समझ गए, देखा क्यों झाड़ी के पास मत्ता करके बोल रहे हैं या मेरे नजदीक में मत्ता करके बोल रहे हैं। परमेश्वर को चाहने योग्य पवित्रता उसमें नहीं है। आपको मैं क्यों चित्र बनाता हूं, चित्र जल्दी याद रहता है इसके लिए, है ना। तो इधर क्या कर रहा है, झाड़ी जल रहा है ना, तो मूसा क्या कर रहा है, नजदीक क्या कर रहा है, हाँ जा रहा है। जाते समय में परमेश्वर बोलते नजदीक में मत्ता, क्यों मत्ता, हमने पहले पढ़ा था मंदिर भवन का नियम क्या है, और अच्छे से बोलो, नहीं पहाड़ के चोटी के चारों ओर का ये है ना, इतना नहीं, सिर्फ इतना जगह नहीं, उसके चारों तरफ का इलाका क्या होगा, अति परम पवित्र होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मूसा
मैं इधर बाहर खड़ा कर दिया, एक्चुअली इधर तक आ गया है ना, हाँ इधर तक आ गया। तो परमेश्वर बोल रहा है बस इधर आ गया ना, इतनी खड़ा रहे, इसके आगे मत आ। क्यों मत आ? यहां तक आने की योग्यता मूसा में अभी नहीं है, ये बात याद रखना। क्यों नजदीक मत आ? मेरे नजदीक में आने की योग्यता अब तक तुझ में नहीं है। अच्छा, योग्यता नहीं होने के कारण जब परमेश्वर ने अपने आप को मैं कौन हूं करके बताया, मूसा ने क्या किया? अपना मुंह क्या कर लिया? मुंह क्यों ढांप रहा है? इससे परमेश्वर को देखा नहीं जा रहा। क्या, क्यों नहीं देखा जा रहा? वो पवित्रता जो परमेश्वर चाहते हैं उतना नहीं होने के कारण ये परमेश्वर को क्या नहीं कर पा रहा? विषय समझ में आ रहा? नजदीक क्यों नहीं जा पा रहा? वो वर्ड को अच्छे से याद कर ले, परमेश्वर चाहने योग्य पवित्रता नहीं है। परमेश्वर चाहने योग्य पवित्रता नहीं होने के कारण क्या भी नहीं करना, नजदीक भी नहीं आना, और ये क्या भी नहीं कर पा रहा, देख भी नहीं रहा। लेकिन आप निर्गमन 24वां अध्याय 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। फिर उसने मूसा से कहा, हाँ, इधर कौन कौन आ रहा है? हारून, नादाब, अबीहू, इसराइलियों के 70 पुरुष, हाँ, और मूसा। इतने लोग को परमेश्वर ने क्या किया? बुलाया, समेत हाँ, यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। दूर से क्या करना? दंडवत करना। हाँ, केवल मूसा यहोवा के समीप आए। ये वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, आप नोट लिखते समय में सबको बुलाया। कौन कौन है? याद कर लो, याद कर लो, कौन कौन है? हारून, नादाब, अबीहू, इसराइल के 70 पुरुष, प्लस उधर कौन है? मूसा। इतने लोग को परमेश्वर ने किधर बुलाया? ऊपर पहाड़ की चोटी पर क्या किया? बुलाया। बुलाने के बाद परमेश्वर कहते हैं सब लोग किधर रहो? दूर से क्या करो? दंडवत करो। लेकिन नस्तिक में सिर्फ कौन आएगा? पहले क्या बोला था? पास नहीं आना। अभी क्या बोलते हैं? वही मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? नजदीक में आओ। नहीं, रमेश को नहीं समझा। निर्गमन 3 अध्याय में क्या पढ़े हमने? परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं नजदीक में मत आ। 24वां अध्याय में क्या बोल रहे हैं? तू मेरे सिर्फ कौन आएगा? अभी 3 अध्याय से लेकर 24वां अध्याय तक इसके बीच में कुछ तो घटना हुई। क्या घटना हुई होगी? परमेश्वर चाहने योग्य पवित्रता को मूसा ने क्या किया? अपने में बनाया, बनने का मौका दिया। नहीं समझ में? इसमें बोला मता, इधर बोलता है सिर्फ तू, सिर्फ मूसा। तो जो व्यक्ति को मना किया था वही व्यक्ति को कैसा बुला रहे परमेश्वर? इतने समय के बीच में मूसा ने अपने आप को परमेश्वर चाहने योग्य पवित्रता के लिए खुद को क्या किया? सौंपा, तैयार हुआ। तब परमेश्वर बोलते हैं सिर्फ कौन आएगा? बाकी लोगों को बोला तुम सब दूर हो। इसराइलियों को तो क्या बोला? पहाड़ के नीचे बाड़ा लगाया, उसके बाहर। सोच कर देखिए, ये मंदिर के बारे में आपको बताया था ना, ये है मंदिर, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, आंगन। इसमें महापवित्र स्थान में कौन जा सकता है? महायाजक। पवित्र स्थान में याजक। आंगन में
लेवी, अगला स्थान किसको? इसराइली पुरुष, अगला स्थान इसराइली स्त्री, अगला स्थान अन्य जाति, बाकी सब इधर पड़ा हुआ। हमको किधर लेके आके खड़ा किया? यहां तक आने का क्या दिया रास्ता? क्या करके दिया? खोल कर दिया। किधर थे? लास्ट बाहर, अन्य जाति से भी पीछे। हमको किधर आने का मौका दिया? अभी यहां तक आने का मौका दिया, लेके आकर अपने मंदिर बनाने के लिए अभी क्या किया है? रखा है। हमारा असली कर्तव्य क्या है? कलीसिया में ऐसा संगति, इसलिए अनेक लोग जैसे संगति करने के लिए क्या कर जाते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसा तुम क्या मत करो, मत छोड़ो। क्यों ऐसा बोलते? क्यों संगति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों? ये जगह में रखकर प्रभु हमको क्या करता है? क्या करता है? पवित्र करता है। क्या करता है? मलाकी 3:3 पढ़ेंगे। मलाकी 3:3, रुपए का ताने वाला, रुपए मीन्स चांदी का ताने वाला, और वह शुद्ध करने वाला बनेगा, लेवियों को शुद्ध करेगा, हाँ निर्मल करेगा। बस बस बस, इधर क्या है? करेगा, करके होने गया। क्या करेगा? करेगा का इधर असली शब्द क्या होना चाहिए? करता रहेगा। क्या है वो? सोनार के समान चांदी को, और धोबी के समान, है ना, धोबी के साबुन का जैसा रख के अपने प्रजा को क्या करता रहेगा? शुद्ध करता रहेगा। आज किया काम खत्म नहीं, क्या करता रहेगा? आज किया और करेगा, कल किया और करेगा। तो कलीसिया किस लिए रखा है प्रभु ने? पवित्र करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, रोज बरोज पवित्र बना के परमेश्वर चाहने योग्य पवित्र बनाने के लिए प्रभु ने यह प्रोसेस में हमको क्या किया है? रखा है। अभी समझ में आया? 3 और 24 के बीच में क्या हुआ? इधर मत्ता बोल दिया तो मूसा भी किधर खड़ा रह सकता था? बाकी सबके साथ जैसा है ना। मेरे को क्या बोल दिया है परमेश्वर ने? लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? बोला नहीं 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 नहीं, मैं और करीब क्या करूंगा, जाऊंगा। ये मनसा होने के कारण करीब जाने के लिए मुझे और क्या 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 करना है, प्रभु से पूछ पूछ कर क्या किया करता गया। इसलिए 24वां अध्याय में क्या बोलते, मूसा को जितना तैयारी होने का था उसको मन होने के कारण हुआ। प्रभु ने क्या बोले? मेरे पास आओ। ठीक है, मूसा का पहले के दशा क्या था? 3:6 में क्या पढ़ा? उसने अपना मुंह को क्या कर लिया था। लेकिन 33:11 में क्या पढ़ रहे? देखो निर्गमन 33:11, 33:11, निर्गमन 33:11। और यहोवा मूसा से, हाँ, इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, हाँ, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, हाँ, पर यहोशू नामक एक जवान, बस बस बस, इधर मूसा कैसे बात कर रहा है? आमने सामने, फेस टू फेस, मतलब मुंह देख कर क्या कर रहा है? बात कर। पहले मुंह देखते क्या कर लेता था? क्यों छुपा लेता था? वो योग्य पवित्रता नहीं होने के कारण परमेश्वर का चेहरे को क्या नहीं कर पाता था? देख नहीं पाता था। लेकिन ये वचन में हमने पढ़ा, ये अभी कैसा बात कर रहा है? मतलब इतने समय के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर का योग्य पवित्र होने के लिए मूसा ने अपने आप को क्या किया? सौंपा। कैसे सौंपा होगा? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन 4:24-26। तब ऐसा हुआ
कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। इधर घटना क्या हो गया, परमेश्वर मूसा को क्या करना चाहा, जिसने दृश्य को देखा, जिसको परमेश्वर ने भेजा, वही व्यक्ति को परमेश्वर क्या करना चाहा, मार डालना चाहा। हाँ। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। हाँ। और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, हाँ, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। हाँ। तब यहोवा ने उनको छोड़ दिया उस समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। हाँ। तब यहोवा ने हारून से कहा, हाँ, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। हाँ। वह गया। हाँ। और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला। बस बस बस, इधर समझ में आया घटना क्या हुआ। मूसा अभी परमेश्वर का दर्शन पाकर अब किधर चला, इसराइलियों को छुड़ाने के लिए चला। चलने के रास्ते में बीच में कौन आके खड़ा हो गया, खुद परमेश्वर आकर खड़ा हो गया। और उधर क्या लिखा है, परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहा। क्या करना चाहा, हाँ, तो ये शब्द को थोड़ा खींच के परमेश्वर ने क्यों छोड़ा, इधर परमेश्वर उसका मार मतलब मौत के घाट उतारना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना क्रोध हो गया था कि अब अंत क्या ही है, मतलब इतना कड़ी से कड़ी सजा किसको दिया, मूसा को दिया। क्यों दिया, इधर मार डालने के लिए नहीं दिया, काहे के लिए दिया, सुधरने के लिए, काहे के लिए दिया, सुधरने। कई बार कड़ी से कड़ी, हमने सोचा नहीं ऐसी दुर्घटनाएं, सोचा नहीं ऐसी नुकसान हमारे जीवन में होते समय, हम कहां कहां कुछ कुछ नाम रख लेते कि इसके कारण से हुआ होगा, वो कारण से हुआ रहेगा। लेकिन एक परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति जिसको पवित्र होने के लिए किधर रखा है, कलीसिया में रखा है, किसके हाथ में सौंपा है, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर मौत के पास तक अगर खींच कर लेकर जाता है, मार डालने के लिए नहीं, काहे के लिए, सुधारने के लिए। क्या सुधारने के लिए, मूसा के अंदर एक क्या थी, कमी थी। क्या कमी थी, व्यवस्था में से एक व्यवस्था क्या करना था, खतना करना था, लेकिन मूसा ने वो काम नहीं किया था। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को नहीं माना, क्या मिला, पवित्र होने का मतलब क्या है, बोलिए, पवित्र होने का मतलब क्या है। अब इतना समझाना आपको, इतना वचन हमने पढ़ा, अभी का घटना देखा, पवित्र होने का मतलब क्या है, परमेश्वर पवित्र कैसा करता है। हाँ हाँ, कौन कौन बोला, बोलो बोलो। परमेश्वर के विधि व्यवस्था आज्ञा है ना, ये सब क्या है, वचन है ना, सबका सारांश क्या है, वचन। इसमें विधि है, व्यवस्था है, आज्ञा है, नियम है, ये सब किसमें आ गया, वचन। इसमें से जो जो वचन हम लोग पालन करने में क्या किया, छोड़ा, हमें क्या करता है परमेश्वर, याद दिलाता है। कैसा याद दिलाता है, जल्दी समझ जाएगा तो आसानी भाषा से क्या करता है, समझाता है, नहीं तो मौत तक क्या करेगा। अब समझ, अगर अच्छे से समझ लिया तो अच्छी बात, नहीं तो मूसा की तरह क्या भी करने को आएगा, मार डालने को भी आएगा। तो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, इस घटने से प्रभु हमें क्या सिखाता है। मूसा दूसरा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैंने जो व्यवस्था दिया है ना, बस उसका क्या कर, पालन कर। क्या करना है, वचन क्यों पढ़ना है, क्यों संगति, क्यों प्रचार सुनना, क्यों बाइबल स्टडी, क्या जरूरी है, हमको पढ़ने नहीं आता है ना, क्यों दिया ये सब सिस्टम प्रभु ने। प्रभु यह चाहते हैं पवित्र होने के लिए क्या उपाय है, वचन को जैसा सुना वैसी पालन,
समझ में आया? तो मूसा ये इतने गैप के बीच में किया गया, ये 3 अध्याय से लेके 24 अध्याय तक मूसा ने किया गया। जितने आज्ञा थी जांच कर देखता था प्रभु, इसमें ओके, इसमें ओके, इसमें ओके। क्यों क्यों ऐसा क्यों चेक कर रहा था? अच्छा, हम लोग को वचन पढ़ने के लिए दिया, हम कैसे पढ़ते? मेरे को आज 5 अध्याय क्या करना है? पढ़ना है। मैं पढ़ लिया, उसके लिए नहीं दिया था। एक एक वचन पढ़ते समय में इसके अनुसार ओके, हाँ इसमें कमी है, इसमें क्या है, इसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा चेक करते 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 जाते समय मुंह ढाप कर बात करने वाला अभी आमने सामने। और प्रभु भी चाहता क्या है, क्या चाहता है? ऐसे मुंह ढाप कर बात करो है? आमने सामने क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए निर्गमन 12 अध्याय, निर्गमन नहीं सॉरी गिनती, गिनती 12 अध्याय 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर गए, हाँ, तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, हाँ, अतः हाँ वे दोनों उसके पास निकल आए, हाँ। तब यहोवा ने कहा, ये घटना मालूम है आपको? निर्गम गिनती 12 अध्याय उसका 5 से 8 पढ़ रहे हम लोग। इधर घटना क्या हुआ था? एक बार हाँ मीरियम ने मूसा के विरोध में क्या लगाया, आरोप लगाया, हाँ हाँ, तभी यह घटना हुआ। परमेश्वर किधर आए? 5 से लेकर वापस पढ़ो। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर, हाँ, बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर, तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हारून को और मरियम, ये दोनों कौन है? मूसा के बसगे भाई बहन, दोनों को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए, निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। अच्छा, इसको ध्यान देने वाली बात क्या है? नबी होगा तो परमेश्वर उससे कैसे बात करेगा, कैसे बात करेगा? दर्शन के द्वारा। ये क्या है? परमेश्वर का अपने लोगों से गुप्त रूप में बात करने का एक तरीका क्या है? परमेश्वर का अपने लोगों से गुप्त रूप में बात करने का एक तरीका है, एक स्टेज है ना। कईयों से परमेश्वर स्वप्न दर्शन के द्वारा क्या करते हैं? बातें करते हैं। तो परमेश्वर इधर कहते हैं नबियों से भी मैं कैसे बात करता हूं? हाँ, पढ़ी हो लाइन को वापस। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। दर्शन के द्वारा क्या करूंगा? प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, या मैं स्वप्न के द्वारा उससे क्या करूंगा? बातें करूंगा। ये परमेश्वर के बात करने का तरीकों में से एक है, एक लेवल है, एक स्टेज है। आगे, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? है ना, एक लेवल है ना, एक लेवल है। तो ये लेवल में मैं क्या करता हूं? स्वप्न और दर्शन के साथ क्या करता हूं? बात करता। कई नबियों के साथ में भी मैं ऐसी क्या करता हूं? बात करता हूं। लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। इससे भी कैसा बढ़कर है? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। इसका मतलब इधर कैसा बात करता है? क्लियर हो गया? स्वप्न दर्शन क्या है? गुप्त
उपयुक्त रीति से बात करना। इतना क्लियर हो गया? सुन रहे इधर कैसे बात कर रहे हैं? गुप्त रीति से। कैसे? स्वप्न और दर्शन। इतना क्लियर हो गया? आगे मूसा ऐसा नहीं, हाँ, परंतु आमने सामने, हाँ, और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। फुल स्टॉप। इधर इधर ये वर्ड को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मूसा के साथ ऐसा सीक्रेट बात नहीं होता। कैसे बात करता हूँ? इधर है आमने सामने, फेस टू फेस, आमने सामने। इतना ही नहीं, और एक लेवल है। वो कौन सा लेवल है? प्रत्यक्ष रूप। समझ में आ रहा है? एक समय था नजदीक में मत आ बोला, इसका बाद एक स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है? अनुग्रह से। क्या? अनुग्रह से वो जो जगह में खड़ा रहने का मौका मिला। कौन सा जगह पे? बोलता है तू जहां खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि में कैसा खड़ा है? अनुग्रह से। अच्छा, अनुग्रह से उस पवित्र भूमि में खड़ा रहकर क्या देख रहा है? सोच के बताओ। अद्भुत दृश्य। क्या याद आ रहा है तुम? मैं क्या बोलता है, मैं पास जाकर उस अद्भुत दृश्य को क्या करूंगा? किधर जाकर देख रहा है? वही इलाका परमेश्वर बोलता है तू खड़ा हो जमीन, पवित्र भूमि। तो एक समय था उसके नजदीक में क्या नहीं कर सकते थे? नहीं जा सकते थे। थोड़ा लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने के बाद अनुग्रह से पवित्र भूमि में खड़ा रहने का, इधर बैठ नहीं रहा, क्या कर रहा? खड़ा रहने का एक क्या मिला? मौका मिला। इस मौके के दौरान क्या देखने मिलेगा? अद्भुत दृश्य, आश्चर्य कामे, है ना? नहीं समझ में आ रहा? हमारे जीवन में, परिवार में, काम काज के जगह में अद्भुत कार्य देखते देखे थे, नहीं देखे थे शुरू में? वो क्या है? अनुग्रह में जस्ट आपका क्या हुआ है? एंट्री हुआ। कई बार हम तृप्त होकर बोलते वाह प्रभु मुझे कैसे चला रहा है, हाँ हाँ संडे को बहुत धन्यवाद स्तुति क्या करती है आती है। भाई ये क्या है? अनुग्रह में खड़े हैं। इसके बाद फिर क्या होता है? लेवल बढ़ के किधर जाता है? गुप्त रूप से। कैसे कैसे? स्वप्न और दर्शन। अभी तक इधर जो जो अटके इधर क्यों नहीं जा पा रहे? इतना क्लियर हो गया? अभी भी क्या ही मांगता है? अचानक प्रभु पर्स में पैसा आ जाए, है ना? यही चाहते हैं ना? मेरे को बोलने की जरूरत ना, अपने दिल में हाथ रख के आप जवाब दीजिए, क्यों प्रार्थना में आते हैं प्रभु? इसीलिए है ना? इधर भी, इधर अभी भी अटका है। आप ये मत सोचना काम पूरा हुआ, नहीं, प्रभु आपको और क्या करना चाहता है? पवित्र करना चाहता। कैसे पवित्र करेगा? कैसे पवित्र करेगा बोलो ना, कैसे पवित्र करेगा? वचन, वचन, वचन। अभी समझ में आया? पवित्र आत्मा का काम क्या है? वचन को याद दिलाएगा। निशा तुम इसमें और राउंड मार करके देगा आपको। निशा इधर इसमें थोड़ा ध्यान दो। कौन? मैं नहीं, कौन? पवित्र आत्मा आपको बोलेगा। वचन पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय, वचन सुनते सुनते ये तेरे लिए ऐसा राउंड करके देगा। तब क्या बोलना? नहीं 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 नहीं, ये तो इनके बारे में मैंने कल ही सुना था, ये उसका ही होगा। नहीं,
आपको याद दिला रहा मतलब आपके अंदर कुछ तो प्रभु क्या बोल रही है, वचन को क्यों मार्किंग करके दे रहे हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा, देखो वचन पढ़ते 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 आप जा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि वापस क्या करूं, वही वचन को दोबारा पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं अंदर से, क्यों मालूम है, उसमें कुछ तो बात आपके लिए रखा है। वो उसको प्रभु क्या करने चाहता है, आपको दिखाना चाहता है। बात समझ में? तो प्रभु क्यों ऐसा दिखा रहा है, ये लेवल से बढ़कर अभी किधर जाना, स्वप्न और दर्शन में क्या करना, गुप्त रूप से क्या करना, बात करना। इसके बाद अगला है प्रकट रूप में, ये गुप्त रूप है, ये प्रकट रूप में कैसा बात करेगा, आमने सामने। और इसका बाद अगला फाइनल स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, प्रत्यक्ष रूप में। प्रत्यक्ष रूप में इसको, प्रत्यक्ष रूप को समझाने के लिए आप एक वचन पढ़िए, मत्ती 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को क्या करेंगे, देखेंगे। इसका मतलब ये लेवल क्रॉस होते समय में क्या होते जाता है, हमारे अंदर क्या होते जाता है, वचन और एक बार पढ़ो, धन्य वे हो जिनके मन क्या है, शुद्ध, क्या होते जाता है, जैसा जैसा शुद्ध होते जाता है वैसा वैसा लेवल क्या होते जाएगा, मतलब लेवल नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब शुद्ध नहीं हो रहा, एक जगह पे अटक गया, शुद्ध नहीं हो रहा। सीधी बात है, आप शुद्ध होने के लिए खुद को छोड़ना नहीं चाहते, है ना, इसलिए आज भी जिधर बैठा है उधर ही बैठा, उधर से थोड़ा भी सरका नहीं। प्रभु क्या चाहता है, रोज क्या करना चाहता है प्रभु, शुद्ध करना चाहता है। कैसे शुद्ध करना चाहते हैं, वचन के द्वारा। इतना समझ में आया? तो जिनके मन शुद्ध है वे किसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। अभी देखेंगे तो बात हमने इधर तक ही आके रोक दिया, ये इतना ही नहीं है, किधर तक जाना, कैसे समझाने के लिए, एक कांच का टुकड़ा कचरा डब्बा का बास आपको मिला, क्या कांच का टुकड़ा, बारिश का मौसम था, एक टुकड़ा आपको दिखाई दिया, आपने उस टुकड़े को उधर से क्या किया, उठाया। उठाने के बाद जब आप उसमें देखेंगे आपका चेहरा दिखेगा ना, हाँ बोलो ना, कचरा डब्बा का पास चिकड़ में पड़ा था, एक कांच को उठाया, अभी मैं उसमें देखते समय मेरा चेहरा दिखेगा, हाँ क्या करना पड़ेगा, पहले उसको पानी से डाल के देखेंगे, फिर भी उसमें ग्रीस लगा है, फिर क्या लगाना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, कभी कभी कुछ गाढ़ा ग्रीस जैसा कुछ लगा रहेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा केमिकल लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डालकर इसको मैं जैसा जैसा शुद्ध करते जाएगा, अब इसमें क्या दिखता है, मेरा चेहरा उसमें। ये जो है ना प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, सेम इनका चेहरा इनमें। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, सेम परमेश्वर का स्वरूप और समानता इसमें क्या कर रहा, नहीं समझा अभी तक, नहीं समझ रहे नहीं समझ रहे, और एक बार इधर आमने सामने देखना, देख के क्या कर दे, बात कर दे। ये टॉप लेवल कौन सा है, प्रत्यक्ष रूप में प्रभु अपने आप उसके सामने प्रकट होने का मतलब क्या है, सीधा स्वयं परमेश्वर किस में दिखता है, मूसा में दिखता है। इतना समझ में आया, मतलब वो जो अदन की वाटिका में स्वरूप और समानता करके एक शब्द था ना, उधर ही किधर है, समझ में आया, ये तो मूसा के बारे में बोला है,
तो सिर्फ ये मूसा के लिए सीमित नहीं है, आज प्रभु हम कलीसिया से भी यही अपेक्षा करते हैं कि शुद्ध होते 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 परमेश्वर का रूप हम में क्या करें दिखे। इसको समझाने के लिए प्रेरितों के समय में यीशु मसीह चला गए, अब किसका काल था? पवित्र आत्मा का काल। पवित्र आत्मा अभी किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? चेलों को इस्तेमाल कर रहे हैं। चेलों को इस्तेमाल करते समय अंतियोक नाम का शहर में इनको क्या बुलाकर बुलाते थे? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए पहला कुरंती 3:16 एक बार पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता। अभी परमेश्वर का आत्मा हम में क्यों वास करता है, इसको समझाने के लिए, किसी ने परमेश्वर को कभी क्या नहीं किया, नहीं देखा, सुन रहे हैं आप लोग, किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा, उस अदृश्य परमेश्वर को हम मनुष्यों को बताने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरीर में होकर यीशु ये नाम से आया। नहीं समझा? जिस परमेश्वर को किसने कभी क्या नहीं किया, नहीं देखा, वही परमेश्वर को अपने आप को दिखाने के लिए क्या किया, शरीर में होकर मनुष्य का रूप धारण। कैसे रूप धारण? सेम हमारे समान मरियम का गर्भ में क्या हुआ, जन्म हुआ, 9 महीना बड़ा हुआ, माता पिता का अधीन रहा, सेवा, फिर क्रूस, दफनाई, जी उठना, प्रकट होना, उठा लिया जाना, ये सारा प्रोसेस किसमें किया, एक शरीर में होकर, शरीर में होकर, एक शरीर उनके लिए क्या किया गया, तैयार किया गया, उस शरीर में ये जो अदृश्य परमेश्वर अपने आप को क्या किया, प्रकट किया। अब यीशु जाने के बाद अब किसका काल है? पवित्र आत्मा का काल। ये पवित्र आत्मा अब जब पृथ्वी पर आ रहा है कोई शरीर लेकर, अभी आपको समझ गया होगा क्या, हाँ, हमारा शरीर को वो क्या कर रहा है, अभी समझ में, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है ना, यीशु मेरा गर्भ में जन्म होना बोलकर उस समय कुंवारी लोग सब क्या कर रहे थे, इंतजार में थे, तो सिर्फ किसको मौका मिला, मरियम को सिर्फ वो मौका मिला। लेकिन आज का कलीसिया का सौभाग्य क्या है, क्या है, हम सब जीवते परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हम में क्या करती है, क्यों वास करता है, जैसा वो अदृश्य परमेश्वर एक शरीर में आकर अपने आप को क्या किया, प्रकट किया, इसी तरह से उठा लिया गया यीशु आत्मा के रूप में किधर आया, हमारे अंदर आकर किसको दिखाने के लिए आया, यीशु ने किसको दिखाया, अभी हमको किसको दिखाना है, यीशु को दिखाना। आप बोलेंगे ऐसे कैसा, पौलुस बोलता है तुम में मसीह का रूप आए, वो वचन निकल के पढ़ो, ठीक है, इधर ध्यान दो, समझ में आया आपको, तो क्या आना चाहिए हम में, क्या क्यों पौलुस क्या बोल रहा है, तुम में किसका रूप आना चाहिए, मसीह का रूप आए, तो यीशु ने किसको दिखाया, पिता को, हम में अभी कौन है,
हम में भी कौन है? पवित्र आत्मा क्या दिखाना चाहता है? हम में कौन दिखने? यीशु दिखे। समझ में? तो ये ऐसा यीशु दिखा हुआ चेलों को अंतियोक में जब अन्य जाति लोगों ने देखा, उनको क्या बोले? मसीही। मसीही बोलते समय ये देखने में किसके जैसे लगता है? इनका बोलना, देखना, इनके हाथों के काम, इनके चाल चलन, सब किसके जैसा? अन्य जाति लोगों ने किसको भी देखा था, तो वो जो उठा लिया गया यीशु के जैसा ही ये लोग है बोलकर इनको क्या नाम रखे? तो मतलब पवित्र आत्मा चेलों के अंदर जब सामर्थ के साथ आया तो चेलों का जीवन क्या हो गया? हाँ, मसीह के समान। इसलिए उनको क्या बुलाया गया? मसीही। समझ में? तो परमेश्वर ने हमें मंदिर क्यों बनाया? हमारे अंदर क्या करने के लिए? वास करने के लिए। क्यों हमारे अंदर वास करना चाहता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहकर किसको प्रकट करना चाहता है? यीशु मसीह को, है ना? इसलिए हम क्या बनेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा मसीह के समान होंगे। इतना आपको समझ में आया? तो पवित्र आत्मा क्यों कलीसिया को दिया गया? मसीह के समान। ये पवित्र आत्मा रोज क्या करता है? शुद्ध करता रहता है। खत्म नहीं, इनका काम अभी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? एक तो मेरा मौत आएगा तो, या तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन। उसी दिन उनका जो शुद्ध करने का प्रक्रिया क्या होगा? खत्म होगा। तो रोज हमको क्या करता है? तो एक कलीसिया होने के नाते आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? संडे टू संडे शुद्ध नहीं होना, प्रतिदिन क्या होना? शुद्ध होना। क्यों? ये शुद्ध के बारे में थोड़ा समझाने के लिए मरकुस 11 का 11 पढ़ेंगे। मरकुस 11 का 11। देखो यीशु क्या, ये इधर यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर इधर क्या कर रहा है? जब मंदिर के अंदर आया तो क्या कर रहा है? उधर के सब वस्तुओं को क्या करता है? देखता। इससे क्या समझ में आता है? मेरा जीवन का एक एक बात उसके सामने खुलेआम है। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आएगा, मेरे अंदर आकर शुद्ध कैसा करता मालूम है? सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? देखता है। क्या करता है? ये वचन वापस पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हाँ, यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर में गया, हाँ, सब वस्तुओं को क्या करता है? देखता है। देखता क्यों है? क्या सही है, क्या गलत है, स्वयं क्या करता है? मेरे नजरों में सब कुछ क्या है? सही। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मेरे नजरों से मैं जो भी कुछ कर रहा हूं सही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा वो क्या करता है? सब वस्तुओं को क्या करता है? देखता है। हाँ, देखा, उसके बाद वही है। अच्छा, बारहों के साथ बेतनिया गया। हाँ, क्योंकि साँझ हो गई थी। हाँ, दूसरे दिन। हाँ, जब मैं बेतनिया, एक मिनट। हाँ, पंद्रह पढ़िए, इसके बाद सीधा पंद्रह में आ जाइए। हाँ, हाँ, पिंडे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलटती। हाँ, मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया।
हाँ और उनसे कहा यह क्या है, क्या यह नहीं लिखा है हाँ कि मेरा घर सब जातियाँ। बस बस पहला राउंड जब ही गया क्या किया देखा, सेकेंड राउंड जब ही गया क्या किया क्या जो जो काम का नहीं है सब क्या किया बाहर निकाल। बात समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा भी है ना, पवित्र आत्मा का भरपूरी का मतलब क्या है, जब उनको हम छूट दे देंगे प्रभु मेरा जीवन अभी किसका है आपका है बोलते समय, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है पहले देखता है, सेकंड राउंड में क्या करता है जो जो नहीं मांगता है वो सबको क्या करता है निकल। अगर मैंने मंजूरी दिया तो नहीं तो चुप रहेगा थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद अपने आप क्या हो जाएगा निकल चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो हमारे अंदर आया हम उनको बोलते प्रभु मेरा जीवन आपके हाथ में, आप इसको क्या करो शुद्ध करो। कहां तक पहुंचना प्रत्यक्ष रूप, मतलब आपका रूप मुझ में दिखना, वहां तक अगर मुझे बनने के लिए मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूं, प्रभु भिन्न भिन्न रीति से चांदी के समान भी क्या करेगा ताएगा और धोबी का साबुन भी क्या करेगा, मतलब क्या क्या औजार चाहिए प्रभु उसको क्या करेगा लेकर हमको क्या करेगा शुद्ध करेगा। शुद्ध करते समय कई बार दर्दनाक भी क्या करेगा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, हमें मार डालने के लिए नहीं क्या करने के लिए सुधारने के लिए शुद्ध करने के लिए, कैसा ना कैसा ये वचन को इससे पालन करवाना है बोलकर ही प्रभु क्या करते हैं। तो यहां क्या कर रहा है, पहली बार आए देखा, दूसरी बार आए जो नहीं मानते सब क्या किया निकाल कर फेंका, तीसरी बार मरकुस 11 का 27 को पढ़ेंगे। हाँ हाँ और जब वह मंदिर में टहल रहा था, इधर क्या कर रहा है है ना, हमारा परमेश्वर हमारा छावनी में क्या करता है चलता फिरता है, आदन की वाटिका में टहलता है किसके साथ आदम के साथ। तो प्रभु इस मंदिर में हमारे साथ क्या करना चाहता है क्या करना चाहता है बात करना चाहता है हाँ टहलना चाहता है। टहलने का मतलब समझ में आ रहा ना, इवनिंग वॉक हमारे साथ साथ क्या करना चाहता है। तो ये मंदिर में परमेश्वर की आत्मा क्या करना चाहता है टहलना चाहता है, इसलिए पहली बार आएगा देखेगा, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि पहला प्रार्थना में आता है फिर चला जाएगा, सेकंड प्रार्थना में आएगा जो जो मंगते निकालेगा, वो नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा को जब हमने अपना बर्तन दे दिया आते ही पूरा सब क्या करेगा देखेगा, इसलिए बोला उनको चाहने जैसा पवित्रता आने तक जो 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 रहेगा है ना, ये 3 अध्याय से लेकर 24 अध्याय में हुआ क्या यही हुआ, घूम घूम कर छोटा छोटा फॉल्ट क्या किया पकड़ कर पालन करवा दिया किसे मूसा से क्यों ऐसा करवा दिया, मूसा भी इस बात के लिए आतुर था कि मुझे कैसा भी नजदीक में क्या कर जाना पहुंच जाना, ये उसके अंदर भी यह मनसा होने के कारण, अगर यह मनसा नहीं होती थी ना तो यह मनसा होने के कारण 24वां अध्याय में बोला सिर्फ कौन है मूसा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो पवित्र होने का मतलब क्या है समझ में आ गया, कैसे पवित्र होंगे मैं पवित्र हूं ऐसा बोलने से प्रभु के हाथ में सौंपना, पवित्र आत्मा के हाथ में, अभी हम किसके हाथ में पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप कर प्रभु आप मुझे अच्छे से जांच कर है ना, 139 भजन संहिता में प्रभु तू मुझे जांच और
पढ़िए 139। हाँ, एक से पढ़ना शुरू करो। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना जानता है, बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। चलना मेरा, लेटने को भी तू छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। ये हुआ, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो, ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, हाँ। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये इतना भाग पढ़ते आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? चप्पा चप्पा क्या करता समझ में आया? जांच कर अगर आपने मंजूरी दी है उस योग्य वचन, प्रभु आपको क्या करेगा? देकर आपको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। नहीं समझ में आया? जब हम वचन सुनने के लिए बैठते हैं, घर में बैठकर आप वचन पढ़ते हैं, है ना, वचनों के द्वारा भी प्रभु हमसे क्या करता है? बात करता है। लेकिन कई बार ऐसा आपने अजमाया होगा, मेरे को तो रोज पढ़ा जैसी क्या, आज का प्रार्थना कैसा था? रेगुलर, कल जैसा था? क्यों ऐसा था? क्यों ऐसा था? आपको मालूम है ये मंदिरों में जो आरती वगैरह होता है ना, एक आरती को बचपन में उसको क्या कर देते हैं? रटा देते हैं। जब भी जाएंगे वो मंदिर में तो वही क्या करना है, वही आरती को क्या करना है? बोलना है। सेम, तो ये सेम रोज बोल बोल कर आदमी क्या हो जाता है? उब जाता है। क्या होता है? उब जाता है। प्रार्थना में अभी प्रार्थना करके बोलते समय क्यों उब जाता मालूम है? बोले अभी बोले गया संडे के जैसे क्या रहेगा, वही वो एक गाना गाएगा। क्या हो गया? उब गया, है ना। रोज डोसा खा के कम से कम एक दिन तो चपाती बनाओ। नहीं नहीं समझ में आ रहा है? उब जाने के कारण फिर प्रार्थना में मन नहीं, वचन में मन नहीं, संगति में आना मन नहीं। क्यों ऐसा लोग हो जाते हैं? इसका एक ही कारण है, क्या हो गए? क्या हो गए? उब गए। क्या हो गए? उब गए। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर मेरा चप्पा चप्पा क्या करता है? जांचता है। जाने के कारण मैं शुद्ध होने के लिए तैयार हूं। प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो मेरे को रोज कैसा लगेगा? अभी समझ में? रोज प्रार्थना करना खंडाल क्यों आता है? ये कल भी ना, हम लोगों को बचपन में ये सिखाया था, धन्यवाद प्रभु, आज का खाना दिया, स्कूल का पढ़ाई करने का अच्छा बुद्धि दिया, मम्मी पापा को संभालो, यीशु मसीह के नाम में। हम लोग को ये बचपन में सिखाया हुआ प्रार्थना, ये कर दिया तो वापस समझो शाम को, आज बिठा के चलो रे अभी थोड़ा टाइम से क्या करो, प्रार्थना करेगा बोलेगा तो क्या मम्मी सुबह ही तो बोल दिया ना, वापस वही क्या करना? क्या हो गया? अभी समझ में आया? नया नया तब एहसास होगा जब आपने प्रभु को अपना जीवन क्या कर दिया, सौंपने के बाद ये प्रभु आपका एक एक कोना को जान जान कर देख कर नई बातों को क्या करेगा? सिखाए। हाँ रमेश, इसमें तेरा कमी है, इसमें थोड़ा क्या कर, हाँ बोल कर देखेगा। नहीं तो कभी कभी एक है ना, यही मूसा को क्या करने को आया? मारने को आया करके। हाँ छानबीन, हाँ आगे बढ़ो। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, हाँ, और मेरी समझ से बाहर है, हाँ। मैं तेरे
आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ। या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। हाँ। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। हाँ। यदि मैं भोर की किरणों का अभी यह अध्याय पूरा घर में जाकर आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर एक बार अभी जो हमने वचन सीखा इस मुद्दे को याद रखकर आप इसको पढ़ो, आपको प्रभु इसमें से कुछ बात क्या करेगा सिखाएगा। इससे क्या समझ में आ गया? प्रभु का नजर से मैं बिल्कुल क्या नहीं कर सकता, चिप नहीं सकता। मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु मेरे जीवन का एक एक क्षेत्र को क्या करेगा, जांच कर देखेगा। कई बार मेरे लिए अगर वो जरूरत नहीं तो क्या भी करेगा, क्या भी करेगा। इधर क्या किया मंदिर में यीशु ने? खाल दिया, फेंक दिया। समझ में आया? वो उसके लिए भी अगर हम तैयार हो गए तो हमारे अंदर क्या करेगा, टहल करेगा। इतना समझ में आया? प्रभु यही चाहता है, वो हमारे बीच में रहने के चाहने के कारण ही उत्पत्ति में भी एक वाटिका बना, स्पेशल जगह किसके लिए, मनुष्य के साथ टहलने के। फिर इसराइली नहीं चाह रहे थे, तभी भी बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बीच में ही एक क्या बना, एक निवास स्थान क्या करो बना। और लास्ट में प्रकाशित वाक्य में भी हम क्या पढ़ते हैं, देखो नहीं मन पढ़े प्रकाशित वाक्य, हाँ 21वां अध्याय 3 वचन पढ़िए, 21:3। मैंने सिंहासन में हाँ लिए सिंगार किए हो, हाँ फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। किधर है? क्या वो बर्तन मैं और आप बन सकते हैं? प्रभु क्या बोल रहे हैं, मुझे हाँ। अभी मुझे एक बात याद आया, आज हम लोग वचन से जांच कर देखेंगे, जब ही जक्कई को प्रभु यीशु ने बोला कि मुझे आज तेरे घर में, जक्कई ने क्या बोला, बड़े खुशी से क्या किया। लेकिन एक सूबेदार के पास यीशु ने जब बोला मैं आकर क्या करता हूं, तब उसने क्या बोला, नहीं। अभी उसके आगे उसका जीवन के बाद अलग है, लेकिन समझाने के लिए खाली इतना सा भाग लिया उसमें से। जक्कई खुशी के साथ क्या कर रहा और बोलता है, जो कुछ मेरा है सब कुछ मैं बेच पाच कर सब जीरो करके तेरे पीछे क्या कर लूंगा। सूबेदार बोलता है खाली नौकर का क्या दे दे, नहीं समझ में, निशा मैंने समझ में आ रहा है। ये दोनों में से रमेश कौन सा कैटेगरी में, मेरे को मत बोलो, आप जांच कर देखो। यीशु मुझे चाहिए, सूबेदार कौन है, अन्य जाति, रोमी सिपाही है, सिपाही में भी इसने मेहनत करके क्या बना है, सूबेदार बना है। ऐसा ऐसा नहीं मालूम ना, एक एक फीट लगता है ना, एक स्टार लगता है, ऐसा खेल नहीं है वो, एक स्टार लगा के घूमता नहीं, एक स्टार सिंगल स्टार डबल स्टार ट्रिपल स्टार, इधर फीत रहता है इधर बैच रहता है, ये सब देखा ना। हम लोग बोलेंगे उन लोगों ने फटा पुराना कपड़े को चिला के रखा है, नहीं भाई, उनका मेहनत का चिन्ह है वो सब। सूबेदार 100 का अधिपति कितना रगड़ा होगा, रोमी सिपाहियों में से वो उसका पदोन्नति होकर क्या बना, सूबेदार बना। ये रोमी सूबेदार ये कौन है मालूम है, असली में इसराइलियों का शत्रु। इसराइली बोलता है हमको ये राज्य नहीं चाहिए, तेरा राज्य कब आएगा पूछे थे ये लोग, क्या सोचकर बैठे थे यहूदी कि एक मसीहा आएगा इनके गुलामी से क्या करेगा। घृणित समझने वाला ये सूबेदार में से एक जन यीशु के पास आया, यीशु को बोलते हैं मेरे घर पे, यीशु सामने से पूछ रहे, आप भी देखो, आप घर में जाकर वचन पढ़ के देखो, मैं आकर क्या करता हूं,
तब वो क्या बोला? अभी आज प्रभु के पास आप आज कल प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुबेदार हूं या जकई हूं? जकई बनेगा तो सब क्या करना पड़ेगा? इधर ही तो आता है दिक्कत, इधर ही क्या आता है प्रॉब्लम आता है। नहीं 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 प्रभु, आप भी रहना है, ये भी रहना है। ऐसा उपदेश को अगर ग्रहण नहीं करेगा, वचन में लिखा है एक बार यीशु को पहाड़ की चोटी से लोग क्या करना चाह रहे थे? गिराना चाह रहे थे। क्यों गिराना चाह रहे थे? वो जो उपदेश दे रहा था ना, हजम नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? बोले ये है ना, मुंह बंद नहीं करेगा, इसको खत्म करेगा तभी क्या होगा, तभी नहीं। रमेश समझ में आया? पहाड़ से यीशु को क्या करना चाहते थे? गिराना चाहते थे। तब वचन में लिखा है यीशु उनके मध्य से निकल गए। क्या लिखा है? निकल गए। निकल गए मतलब आप इनको इसका जरूरत नहीं है, तो मेरा इधर क्या काम, चलता। इतना आपको अच्छे से समझ में आया? तो प्रभु ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उद्देश्य रखा है, ये चित्र को ऐसी अपने दिमाग में बसा लो। प्रभु रोज मेरा लेवल क्या करना है? बढ़ना, रोज बढ़ना, बढ़ते बढ़ते आपका प्रत्यक्ष रूप मुझ में क्या करना है, वहां तक। ये मौका सबके लिए दिया है, सबको मंदिर बोला, सबको, हम सबको पवित्र बोल कर क्या किया है, बुलाया है पवित्र। अभी ये इसमें से पीछे ना हटते हुए यरूशलेम में बना रहेगा, बना रहकर शुद्ध होते 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 आगे जाएगा, तब मेरा नाम पहले उसने जीवन की किताब में क्या कर दिया, लिख दिया, वो नाम लिखा हुआ हालत में रहेगा। जिस किसी का नाम उस जीवन किताब में नहीं लिखा होगा, वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर पाएगा। बीच में अगर हमारा चाल चलन सही ना हो, जीवन की किताब से हमारा नाम क्या भी हो सकता है, मिट भी सकता, मिठाएगा। इसलिए अभी हम लोग सच्चे मन के साथ प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, प्रभु पवित्रता के ऊपर पवित्र होना, और बढ़ना, और बढ़ना, मुझे घटना नहीं, पीछे सरकना, सरकना भी नहीं, फिसलना भी नहीं, पीछे मुड़ना भी नहीं, पीछे की ओर कदम भी नहीं रखना। देखो इतना बात आप सोचिए, थोड़ा सरक गया, ना 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 ना, हमने बोला एक कदम क्या किया, ये कितना भारी होगा, पीछे की ओर मुड़कर देखना। ये सब विषय को मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूं, ये सब लंबी चौड़ी बात है। प्रार्थना में इन बातों को मनन करते हुए क्या करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु कितना गंभीर बात है, मेरे ऊपर आपने कितना बड़ा उद्देश्य रखा है, तू मुझ में क्या होना चाहता है, प्रकट होना चाहता है। लोग मुझे देखते समय में रमेश नहीं बोलेगा, तो आप सोच कर देखो मेरा एक एक चप्पा किसका जैसा होना है, मसीह के जैसा होना। समझ में आ गया आपको? ये है पवित्रता का छोर। कलीसिया पवित्र है, पवित्रता में चारणा का भी क्या नहीं है, छूट नहीं है, प्रभु मंजूरी नहीं देगा। इसलिए अभी करना क्या, क्या करना है, दिन ब दिन क्या होते जाना, पवित्र होते जाना, पिछली बातों को भूलकर अबे आगे की ओर क्या कर जाए, बढ़ता जाए। समझ में आ गया? प्रार्थना करें, प्रभु आपने इन वचनों के द्वारा में आशीष करें। हम लोग प्रार्थना करें, जैसे तेरा स्वभाव है वैसा ही मेरा भी हो, जैसा तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी हो, स्वभाव है। प्रार्थना पूर्वक गाएंगे।
जैसे तेरा आचरण है वैसा ही मेरा भी।